कर दोस्तों आपका स्वागत अपने YouTube चैनल ABS क्लासेस पे। और आज बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के स्टूडेंट्स देखेंगे विषय व्यवसाय अध्ययन, पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा और कक्षा 11वीं वाला ये त्रैमासिक परीक्षा का 2021-22 का IMP क्वेश्चन है जो कि ढाई मिनट यहाँ पे ढाई घंटे का एक क्वेश्चन है। पूरा का पूरा आप लोग को क्लियर करेंगे और यहाँ पे आंसर सहित भी मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ना है ताकि कम समय में ज़्यादा अंक कैसे लाएँ, ये सभी कंप्लीट हो जाएगा पूरे के पूरे क्वेश्चन के आंसर। तो चलिए आगे मैं आप लोग को बताता हूँ कम्प्लीट रूप से, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। जो व्यवसाय अध्ययन वाले स्टूडेंट्स नहीं हैं तो वो क्लिक भी ना करें तो अच्छा रहे। रोजगार से क्या आशय है IMP क्वेश्चन है, फटाफट देख लेना। पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ फिर इसी सभी का आंसर भी बता दूंगा। रोजगार की विशेषताएं, व्यवसाय की तीन विशेषताएं, व्यवसाय एवं तथा पेशे में अंतर बताइए। IMP क्वेश्चन है, फटाफट देख लेना, स्क्रीन शॉट कर लेना। व्यवसाय में हाँ, इस बार अभी जो आप लोगों का वायरल पेपर है वो जो भी वायरल हो रहा है यूट्यूब में सभी फर्जी हैं, उनको बिल्कुल मत पढ़ना। यदि पढ़ना होगा तो IMP क्वेश्चन मान के ही पढ़ना और उन क्वेश्चन के अलावा भी साथ साथ में पढ़ लेना, ठीक है। व्यवसाय में लाभ की भूमिका को बताइए, व्यवसाय के उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। साझेदारी से क्या है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, समझाइए। IMP क्वेश्चन है, फटाफट देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एकाकी व्यवसाय के लाभ गुण बताइए, कोई चार। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के गुण, लाभ, विशेषताएं बताइए, कोई चार। सहकारी समिति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साझेदारी एवं एकाकी परिवार में अंतर, व्यापार में अंतर बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है। फटाफट क्वेश्चन को देखना है, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आंसर सहित बताऊंगा इसलिए फटाफट बता रहा हूँ। निजी क्षेत्र की चार विशेषताएँ लिखिए, निजी क्षेत्र का महत्व, बचत बैंक खाता की दो विशेषताएँ, बैंक किन खातों के माध्यम से जमा स्वीकार करता है, किन्हीं तीन को समझाइए। IMP क्वेश्चन है, फटाफट दो तीन चार नंबर के सभी क्वेश्चन हैं। एक नया क्वेश्चन है, ATM के दोष तथा लाभ बताइए, जो कोई चार, तो इसमें आप लोग के चार नंबर क्वेश्चन आएगा। बैंकों की प्रमुख प्रकार बताइए, कोई पाँच, ये सभी चार नंबर क्वेश्चन है। व्यापारिक वाणिज्यिक बैंक के कार्य समझाइए, IMP क्वेश्चन है, ठीक है। ई बैंकिंग के लाभ बताइए, इसमें आप लोग के तीन नंबर के क्वेश्चन आएगा। तो बहुत ही यहाँ पे आप लोग के 22 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। अब चलते हैं, इन सभी के आंसर भी अपन देखते जाते हैं। देखिए दो दो नंबर का कोई तो कह नहीं सकते कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, इसलिए दो नंबर के जो भी हैं सबको आप लोग को पढ़ लेना है। यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन IMP क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, तीन नंबर के क्वेश्चन। पैसे की विशेषताएं कोई तीन, तो ये तीन नंबर का आ सकता है। रोजगार की विशेषताएँ सेम है, अब देख सकते हैं पैसे और रोजगार में कोई भी आ सकता है, ठीक है, दो में से एक। इसके बाद व्यवसाय की तीन विशेषताएं वही चीज़ है, चार लक्षण मैं अभी पिछले भी दिखा भी चुका हूँ, 2019 में आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण, इस बार सबसे ज़्यादा वार्षिक में आने की भी चांस है। एक नया क्वेश्चन है, व्यवसाय तथा पेशे में अंतर बताइए, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट कर लेना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चार, और क्वेश्चन नंबर चार में वो ये क्वेश्चन का जो आंसर है पिछले वाले का, यहाँ पे देखिए व्यवसाय में लाभ की भूमिका को बताइए, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, 2018 और 2020 में आया हुआ है, 2021 में आने के चांस है, यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लेना। व्यवसाय के उद्देश्य का उल्लेख कीजिए, व्यवसाय चैप्टर यदि आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपको लगभग लगभग 25 नंबर या 30 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। एक ये क्वेश्चन हो गया। एक नया क्वेश्चन है, साझेदारी से आप क्या समझते हैं, क्या आशय है, और विशेष साझेदारी क्या है, और दायित्व के अनुसार साझेदारी, तीनों में से कोई भी आ सकते हैं, दो नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। कृत्रिम एक कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, क्या इंग्लिश बोलने से आपको लगता है डर, तो डरना बंद कीजिए और आज ही डाउनलोड कर लीजिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स Doubtnut के साथ जुड़ जाइए। इसमें आप लोग को टॉप इंग्लिश टीचर्स जो है आप लोग को बेसिक से एकदम से सिखाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, और अंग्रेजी में यदि हिचकिचाहट है तो बिल्कुल बंद, इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं आसानी से और बिल्कुल आप हीरो बन सकते हैं अंग्रेजी में। तो देर किस बात की, डाउनलोड कीजिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स Doubtnut में, हिंदी मीडियम में जुड़ जाइए। ABIMP क्वेश्चन, एक व्यक्ति कंपनी से क्या आशा है, ABIMP क्वेश्चन है। जो ओरिजिनल पेपर होगा वो आप लोग को 21-22 के बाद ही मिलेगा, अभी कोई भी कमेंट ना करें। एकाकी व्यापार की विशेषताओं को समझाइए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकाकी व्यवसाय के लाभ गुण और चार लाभ या फिर तीन गुण बताइए, तो ये स्क्रीन शॉट कर लेना। इस क्वेश्चन का आंसर 2018 और 2020 में पूछा गया है। इसके बाद चले संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं लिखिए, तो ये आप लोग का क्वेश्चन का आंसर है, स्क्रीनशॉट कर लेना और पढ़ लेना। एक नया क्वेश्चन है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के गुण, देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा और डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, लिंक दे दूंगा कि आप लोग को PDF कहाँ से डाउनलोड करना है, तो वहाँ पर आप लोग को PDF भी मिल जाएगा यदि पढ़ने में परेशानी हो रही। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के गुण ये देख लीजिएगा, एकाकी व्यवहार के वैधानिक
प्रतिबंध बताइए, तो जाके यहाँ पे देख लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। एनसीईआरटी से के लिए महत्वपूर्ण, यहाँ पे सरकारी समिति की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन कीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लेना। एक नया क्वेश्चन है, साझेदारी एवं एकाकी व्यापार में अंतर क्या है, या एकल स्वामित्व एवं साझेदारी के मध्य अंतर लिखिए, तो ये भी आप लोग को 2019-20 में आया था, 2021 में आने के चांस है। त्रैमासिक में तो जो ब्लूप्रिंट नहीं रहता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग के आईएमपी क्वेश्चन तो भी होते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक कर लेना। कंपनी के कोई 5 दोस्त बताइए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट यहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक नया क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र में अंतर बताइए, तो यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। निजी क्षेत्र की कोई 4 विशेषताएँ देख लीजिएगा, तो 4 विशेषताएँ यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, स्क्रीनशॉट कर लेना, 2018 और 20 में आया हुआ था। एक नया क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र का महत्व 2019 और 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ही महत्वपूर्ण, इस बार 4 नंबर के आने का चांस है सबसे ज़्यादा, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद उसी का है, यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नया क्वेश्चन, एक 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ई बैंकिंग क्या है, बचत बैंक खाते की 2 विशेषता, चालू बैंक 2 विशेषता, मतलब 2 नंबर के आएंगे, स्क्रीनशॉट कर लेना यहाँ पे। डेबिट कार्ड क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका भी आंसर लिख लेना अपने से, 2 नंबर का आएगा। बैंक इन खातों के माध्यम से जमा स्वीकार करता है, किन्हीं 2 को समझाइए, इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली आपके कितने 4 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है, 4 नंबर, तो स्क्रीनशॉट कर लेना और पढ़ लेना। ठीक है, सभी बैंकों को बताना है कि चालू खाता क्या है, बचत खाता क्या है, स्थायी जमा खाता क्या है। इसके बाद एक क्वेश्चन और भी, एटीएम के लाभ बताइए, इसमें 2 नंबर का भी आ सकता है, 3 का, 4 का, जितने लाभ पूछेगा उतने नंबर का आ जाएगा, लिख देना। एटीएम के दोष क्या है, ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 नंबर। बैंकों के प्रमुख प्रकार बताइए, तो कौन कौन से होते हैं, व्यापारिक होते हैं, औद्योगिक होते हैं, केंद्रीय बैंक, विदेश विनिमय होते हैं, इन सभी को स्क्रीनशॉट कर लेना, 4 नंबर के क्वेश्चन है, कृषि बैंक भी होता है। ठीक है, एक नया क्वेश्चन है, व्यापारिक वाणिज्यिक बैंक, जो कि बैंक के कोई 3 महत्वपूर्ण कार्य बताना, तो कौन कौन से है, स्क्रीनशॉट कर लेना, और ये रेगुलर आ रहा है, 2018, 2019, 2020, 2021 में भी आने के चांसेस 100% है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा। ये व्यवसाय अध्ययन का है, कक्षा 11वीं का है, तो आप लोग बिल्कुल पढ़ाई कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन आने के चांसेस लगभग 95% है, और इससे आपके अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। पहले मैं केवल क्वेश्चन बताता था, लेकिन अब आंसर भी इसलिए बता देता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आंसर हमें नहीं पता रहता और बुक हमारे पास नहीं है, तो इसलिए आप लोग को आंसर भी बता देता हूँ। पढ़ाई कर लेना, न्यू वीडियो आएगा, नए चैनल पर भी आ सकता है जो कि ओरिजिनल पेपर संबंधित हो सकता है, इसलिए नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ABS Classes 2.0। कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए ABS Classes सर के नाम से, वहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, रिप्लाई आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।